डीजी हेल्थ आज़ाद कश्मीर डॉक्टर इसरार आफ्ताब अहमद, फोकल पर्सन डॉक्टर आमिर शहजाद ने मरकजी अवान सहाफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोविड-19 की इस आलमी वबा में आज़ाद कश्मीर के मीडिया का अहम किरदार रहा है। आज़ाद कश्मीर में पहला केस सामने आते ही मीडिया ने अपने फ़राइज़ मनसबी में कोई कोताही नहीं बरती। मीडिया के इस बेहतरीन काम की वजह से महकमा हेल्थ और आवाम दोनों को बेहतरीन आगाही मिलती रही, लेकिन बाद अज़ान लोगों ने SOPs पर खातरख्वाह अमल करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से दूसरी लहर ने तबाही मचा दी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में रोजाना सैकड़ों के हिसाब से केस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह SOP पर अमल दरामद ना करना है। DG हेल्थ आज़ाद कश्मीर डॉक्टर सरदार आफ्ताब अहमद का कहना था, आवाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए खुद को और अपने प्यारों को इस वबा से महफूज रखने में अपना किरदार अदा करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। उनका मजीद कहना था कि कोविड-19 के दौरान आज़ाद कश्मीर में 242 डॉक्टर्स के अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी तरबियत हासिल की है, जिसको पाकिस्तान के नामवर स्पेशलिस्ट और ट्रेनर की सरपरस्ती हासिल रही। आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर में नए अस्पताल भी शन होने वाले हैं, जिससे लोगों को बेहतर सहूलियात मुयसर आएंगी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 10 मजीद लेबॉरटरीज भी अपग्रेड की जा रही है, जिसकी वजह से हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी मजीद बढ़ेगी।